बिहार के गया जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने तीन बाइक पर सवार तीन युवकों को विदेशी शराब एवं बियर के साथ पकड़ा है। इनमें से एक युवक अपने जैकेट में 20 बोतल केन बियर झारखंड के हंटरगंज से लेकर बिहार बॉर्डर में प्रवेश कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के अभिराम नाम का युवक अपने जैकेट में 20 बोतल केन बियर छिपा कर ला रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर डोभी समेकित जांच चौकी पर कार्रवाई की गई थी। दरअसल झारखंड से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल, दो स्प्लेंडर प्रो वाहन पर सवार रहे तीन युवक को रुकवा कर तलाशी ली गई, तो उन लोगों के पास से 48 बोतल विदेशी शराब, 20 केन बियर, चुलाई शराब एवं महुआ फूल बरामद किया गया। पकड़ाए गए तीनों युवक धर्मेंद्र कुमार, अभिराम कुमार एवं सुजीत कुमार है। धर्मेंद्र कुमार झारखंड राज्य के चैनपुर प्रतापपुर का रहने वाला है, जबकि अभिराम कुमार कुलहवा मोहनपुर, सुजीत कुमार लालगंज मोहनपुर के रहने वाला है। उन्होंने बताया कि सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि इमामगंज मोड़ एवं भदिया मोड़ के पास शराब को लेकर तलाशी की जा रही थी। इस दौरान तीन बाइक को रुकवाया गया तो उन लोगों के पास 48 बोतल विदेशी शराब, 20 केन बियर, चुलाई शराब और महुआ फूल बरामद हुआ। गिरफ्तार तीनों युवक को जेल भेजा जाएगा। गया से इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट। पोस्ट पे एक नया तरीका, जैकेट के अंदर कुछ शराब के बोतल को लेके जा रहे थे, कितना शराब की मात्रा पकड़ाई और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? हाँ, कल समय की जांच चौकी लोगी पर एक व्यक्ति ठंडा का फायदा उठाकर जैकेट के अंदर 11 केन बियर लेके आ रहा था और ये गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। टोटल 20 केन बियर था और 48 बोतल शराब था, उसके साथ मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। ये नया तरीका आप कैसे पहचान पाते हैं, ये गुप्त सूचना मिलती है? गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना मिली और जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया और तलाशी ली गई तो उसके जैकेट के अंदर से 11 केन बियर मिला। पूर्व से भी वो इस व्यवसाय में जुड़ा हुआ था या पहली बार वो पकड़ा गया? पूछताछ करने पे तो बताया कि पहली बार इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, वो पहले से इस तरह का काम किया है।